नमस्कार, स्वागत आपका नादी टीवी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ पारुल। रुक कर लेते हैं खबरों का। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के मतदान के बीच कई जगहों से हिंसा झड़प की खबरें आ रही हैं। कोचबिहार के सीतालकुची में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इसी झड़प में कई लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने लाठीचार्ज कर किसी तरह हालात पर काबू पाया। वहीं बूथ नंबर 285 में मतदान केंद्र के बाहर बम फेंके गए और गोलीबारी हुई। पोलिंग बूथ के बाहर फायरिंग में वोट डालने आए युवक की मौत हो गई। इसी बीच बंगाल पुलिस ने दावा किया कि केंद्रीय बलों की फायरिंग में कूचबिहार में चार लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि सीतालकुची में उपद्रवियों ने QRT के वाहन को नुकसान पहुंचाया है, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने कई राउंड फायर की, जिसमें चार लोगों की जान चली गई। टीएमसी ने दावा किया है कि बूथ नंबर 5/126 पर हुई इस घटना में हमीदुल हक, मनीरुल हकम, समीउल हक और अजमद हुसैन की मौत हुई है। इस बीच चुनाव आयोग घटना को लेकर DEO कूचबिहार से एक घंटे के भीतर रिपोर्ट मांगी है। उधर पश्चिम बंगाल के रीजनल डायरेक्टर जनरल जगमोहन ने फोन पर बताया कि चार लोगों के मरने की पुष्टि हुई है। CISF के जवानों ने गोली चलाई है। गोली तब चलाई गई जब उन पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया था।